गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन इन इंग्लिश क्लास सो लेट्स टेली द आंसर्स ऑफ यूज फुल स्टॉप पॉस्ट ऑफी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन इन दी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया नहीं था तो मैं आपको बता देती हूँ दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर एटी फाइव सो आपको बोला था कि आपको अप्रोप्रिएट प्लेस पे सूटेबल जहाँ पर लगा जाएगा वहीं पर आपको फुल स्टॉप अपोस्ट ऑफी क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है तो हियर आर द आंसर्स वैन आर योर फ्रेंड्स कमिंग ओवर वैन ये क्वेश्चन हो रहा है पूछा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इन लास्ट इन एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क ओ नो आई फोगॉट माई बुक्स ओ नो no. अब आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा देना है हु इज योर क्लास टीचर नाउ आपकी क्लास टीचर अभी कौन है क्वेश्चन पूछा है सो so, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है आउच रियली हर्ट्स है ना अभी यहाँ से फिर आप अपना एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मतलब मेरा जो टो तो है वो बहुत दुख रहा है मुझे पेन हो रहा है तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे हियर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप नाउ टर्न योर पेज व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं लेट्स गो अभी यहाँ पे आपको एक पोस्ट लगाना है है ना लेट्स गो आउट एंड प्ले दैन स्टॉप व्हाट अ ब्यूटिफुल रेनबो है ना देन आप क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पे अब आप मैं आपको दो चीज़ बता बताती हूँ वाट अ ब्यूटीफुल रेनबो क्वेश्चन मार्क या फिर आप आप कैसे इसे बोल रहे हैं कैसे आप आ, 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 जैसे कि अब मैंने बोला अ ब्यूटीफुल रेनबो या फिर किसी चीज़ को आप बोलेंगे वॉट अ ब्यूटिफुल रेनबो देन एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है बोथ आर करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट इज सेट ही एक सिंपली सेंटेंस बोला है एक uh, तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे ओके नाओ आई टोल्ड यू टू रीड द पोएम माई डॉग स्पॉट ओके ना चलिए अब हम पोएम रीड करते हैं रीड अ पोएम अबाउट अ पैट डॉग नेम्ड स्पॉट एक डॉग की पोएम है डॉग पे बेस्ड पोएम है नेम्ड नेम्ड मतलब उसका नाम क्या है स्पॉट नाउ लेट्सी आई हैव अ वाइट डॉग हुज नेम इज स्पॉट जो राइटर है जो पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को राइट किया है वो अपने डॉग के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके पास एक डॉग है उन्होंने उसके ऊपर एक पोएम राइट करी है कि मेरे पास एक वाइट डॉग है जिसका नाम स्पॉट है एंड ही इज समटाइम्स वाइट एंड ही इज़ समटाइम्स नॉट है ना और सिंपली वो जो डॉग है कहीं कहीं पे वो ऐसे वाइट दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे वो नहीं है वाइट नहीं है बट whether ही इज़ white और वेदर ही इज़ नॉट there इज़ अ पैच ऑन हिज ईयर दैट मैक्स इन स्पॉट ठीक है अब कहीं पे वो वाइट है कहीं पे नहीं है बट उसके ईयर पे एक स्पॉट है एक पैच है है ना जिससे मतलब उन्होंने देख ही दिया देयर इज़ अ पैच ऑन इज ईयर दैट मैक्सिम स्पॉट उसके ईयर के ऊपर एक पेच है एक मार्क है जो उसे स्पॉट बनाता है क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना अगर मैम का ये हैंड है यहाँ पे कुछ अगर एक ब्लैक कलर का हम कुछ लग जाता है या फिर चटका भी लग जाता है तो हम क्या बोलेंगे मैम को स्पॉट हो गया है वहाँ पर क्योंकि मैम का जो हाथ है जल गया है तो सिंपली जो डॉग है डॉग की जो बॉडी पे स्पॉट है उसके ईयर पर एक स्पॉट है पैच है तो वो बता रहे हैं कि उसे आ, उसका नाम स्पॉट हो जाता है ना ही हैज़ अ टंग दैट इज लॉन्ग एंड पिंक उसकी एक टंग है है ना उसकी एक जुबान है जो लॉन्ग है और पिंक है ही एंड ही लॉल्स इट आउट वैन ही वॉन्ट्स टू थिंक और आपने देखा होगा डॉग को कि जब भी वो सिंपली जैसे मैम के यहाँ भी है तो वो अगर कुछ सोचते रहते हैं कुछ करते रहते हैं या सिंपली बैठे हैं तो वो अपनी टंग को बाहर निकाल के ऐसे अब, मतलब या तो फिर थोड़ा सा हाफते भी रहते हैं और या बाहर निकाल के बैठे भी रहते हैं है ना तो जब भी वो सोचते पोएट बता रहे हैं कि ही लॉल्स इट आउट वो अपनी टंग को बाहर निकाल देते हैं वैन ही वॉन्ट्स टू थिंक जब वो कुछ किसी बारे में कुछ सोचते हैं नाउ योर पेज ही सिम्स टू थिंक मोस्ट वेदर वैन द वेदर इज हॉट और वो बहुत सोचते हैं जब बहुत गर्मी हो जाती है जब थोड़ा वो एक्चुअली जो डॉग है उन्हें गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं सबसे ज़्यादा वो अपनी टंग तभी निकालते हैं जब गर्मी होती है क्योंकि उन्हें ब्रीथ करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी होती है ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं ही इज़ अ वाइज सॉर्ट ऑफ अ डॉग इज़ माई डॉग स्पॉट है ना सो so, वो बता रहे हैं कि जो डॉग है वो बहुत वाइज है बहुत इंटेलिजेंट है चतुर है है ना स्मार्ट है उसके बारे में बता रहे हैं वो ही लाइक्स अ बोन एंड ही लाइक्स अ बॉल बोन मीन्स हड्डी और उसे बोन भी पसंद है और उसे बॉल भी बहुत पसंद है बट ही डजेंट केयर फॉर अ कैट एट ऑल बट जब देखा है आपने कभी डॉग को कैट दिखाई देती है है ना तो कैसे उसके पीछे भागता है दौड़ लगाता है है ना बट उसे कैट बिल्कुल पसंद नहीं है वो उसके पीछे भागने लगता है कैसे उसको परेशान करता है कैट भी भागी जाती है डॉग को देख करके ही वेगल्स हिज टेल एंड ही नोज वॉट्स वॉट और देखना आप जो डॉग हमेशा अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं जब वो हैप्पी होते हैं वो अपनी जो टेल है उसे अप एंड डाउन या फिर ऐसे गोल गोल ऐसे मूव करते हैं वेगल करना वही होगा अप एंड डाउन मूव करना या लेफ़्ट राइट मूव करना धीरे धीरे सो आई एम ग्लैड दैट ही इज़ माई डॉग माई डॉग स्पॉट और वो बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा डॉग है और डॉग का नेम क्या है स्पॉट वो अपने डॉग का नेम बता रहे हैं कि माई डॉग स्पॉट और ये पोएट जो है कौन है इन्होंने किन, कि उन्होंने इस पोएम को राइट किया है रोडने बैनट रॉडने बैनट ओके सो डियर चिल्ड्रेन आप इस पोएम को रीड करेंगे एंड लेट्स कम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन pick the correct answer to complete each sentence spot was white black or black and white spot kaise the white the black the or black and white the who is a spot spot is a dog to wo kiske bare mein pooch rahe hain dog ke bare mein so yes spot was black and white. उनके ऊपर spot था इसलिए उसका नाम भी spot रख दिया गया था Spot's tongue was pink, long or long and pink. कैसी थी स्पॉट की टंग थी पिंक भी थी लॉन्ग भी थी पर यहाँ पे वो सिर्फ दो अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि लॉन्ग एंड पिंक सो आप क्या टिक करेंगे लॉन्ग एंड पिंक स्पॉट हंग हिज टंग आउट द मोस्ट इन विंटर समर और मानसून स्पॉट अपनी टंग को कब ऐसे बाहर निकाल के रखते हैं येस इन समर्स स्पॉट डिड नॉट केयर अबाउट कैट्स रैट्स और पीजेंस इसके लिए वो केयर नहीं करते बहुत उनको गुस्सा आ जाता है उसके पीछे भागने लग जाते हैं यस इट्स कैट सो स्पॉट डिड नॉट केयर अबाउट कैट्स ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे रीड दी पोएम और जो आंसर्स मैम ने टेली कराया है प्लीज चेक इट एंड यस आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा ओके बाय